उड़ाना है। यस रोमन, ओके ओके मैम, ओके यस, क्लियर हुआ आपको ये रौनक? क्लियर हो गया बेटा? yes, जब तब भी जुड़ जाएगा और इसलिए भी जुड़ सकता है, दोनों जुड़ सकते हैं। ओके मैम, और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? बॉयज की साइड से कोई प्रश्न नहीं आता है, पता नहीं, सब कुछ आता है बेटा। कबीर, एक दीपक की मेरे मुझे आवाज सुनाई देती है, बस हो गया। और किसी भी बॉयज की आवाज, पता नहीं सब कुछ आता है या क्या बात है। यस दीपक, नहीं है? हाँ बेटा एक मिनट, हाँ मैं जरा सही वॉइस को देख लूँ कौन कौन इसमें है। अनमोल, आपको कुछ नहीं पूछना है बेटा? अनमोल कौर, अनमोल अनम्यूट एंड आस्क बेटा। अनमोल, अनमोल कौर, अनमोल आप हो या क्लास में नहीं हो? अनमोल आप क्लास में नहीं हो ना? ओके चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर उनके अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। यस कबीर आपको किए, करणवीर, जय, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है बेटा? यस बोलो बेटा, कौन बच्चा पूछ रहा था? यस पूछिए। अनमोल अनम्यूट एंड आस्क, अनमोल, अनमोल कौन? ओके अनमोल नहीं है क्लास में मेरे हिसाब से। यस यस बेटा, कौन बच्चा पूछ रहा है? मैम उपवाक्य का प्रकार बताना है आपको, वैसक प्रकार बताना है, उपवाक्य के भेद बताने है ना? आप तीन प्रकार, मैम सेंटेंस बोल रही हूँ उसमें उपवाक्य का प्रकार बताना है। आपका प्रश्न नहीं समझी बेटा। मैम आपको वैसा करना चाहिए जैसा मैं कहता हूँ, इसमें कौन सा उपवाक्य है? आपको वैसा करना चाहिए जैसा मैं कहता हूँ, कहता कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? क्रिया विशेषण? नहीं, सेंटेंस सारे बच्चे लिखिए। तो आपको वैसा करना चाहिए जैसा मैं कहता हूँ, विशेषण मैम संज्ञा उपवाक्य होगा। संज्ञा उपवाक्य है, यही मैं बात कर रही थी कि जिसको बताने वहां पर आप आ गया है। संज्ञा की जगह ही कर्म के रूप में या क्रिया के रूप में संज्ञा या सर्वनाम जब आ जाता है तो भी संज्ञा उपवाक्य होता है। इसी की बात मैं कर रही थी जिसके लिए मुझे चौक की आवश्यकता थी, मैं इसीलिए रोका था इसे, ये बच्चा सेंटेंस लेके आ गया तो समझ में आ रहा होगा। वैसे जैसा मैं कहता हूँ वैसा आपको करना चाहिए। अगर आप विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ उसका की तुलना करें, कंपेरिजन करें तो दोनों से बिल्कुल अलग है वो वाक्य, ना तो उसमें विशेषण आ रहा है ना क्रिया विशेषण आ रहा है। ओके क्लियर हुआ बेटा? यस मैम, एक और है। यस बच्चे जो पूछ रहा था, जब बोलो बेटा, आया है कौन प्रश्न पूछने वाला, नाम बताओ। मैम साक्षी, नाम पूछ, प्रश्न पूछने वाला कौन बच्चा है? साक्षी, हाँ बेटा बोलो। मैम साक्षी बोलो बेटा, यहाँ आया, जब वह यहाँ आया तब मैं सो रहा था। हाँ। उपवाक्य का प्रकार, हाँ तो कौन सा हो जाएगा? देखो तो बिल्कुल समझ में आ रहा, जब क्रिया, जब वो यहाँ आया तब मैं सो रहा था, यहाँ और वहां किसको बता रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण को ना, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ओके मैम साक्षी, ठीक है एक बार मैं फिर बता दूंगी आपको कि विशेष क्रिया विशेषण में बता दूंगी, वैसे भी मुझे पद परिचय के लिए बताना पड़ेगा, पद परिचय में क्रिया विशेषण है कि क्रिया विशेषण का पद परिचय पूछा जाता है, उस समय आप इसके साथ कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है साक्षी, क्लियर हुआ बेटे? हाँ और बोलो कोई बच्चा, और किसी को पूछना है नहीं तो हम आगे, मेरे प्रश्न है, मैं कुछ प्रश्न ले, हाँ जी बेटा मैं कुछ प्रश्न लेके आई थी आप लोगों के लिए। हाँ बोलो, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। मैंने एक मोटा ताजा सांड देखा। मैंने एक सांड देखा जो मोटा ताजा था, मैंने एक सांड देखा जो मोटा ताजा था, ठीक है जो जज लगा दोगे बेटा। और मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी हाँ जी बोलिए। जब हमें वाक्य का मतलब वो पहचानने को कहे, जैसे हम क्रिया विशेषण है संज्ञा विशेषण है, तो सबसे पहले हम मैम क्रिया विशेषण और विशेषण चेक कर लें कि वो तो नहीं है, फिर संज्ञा चेक करें ना। हाँ उसमें सरल हो जाता है, उसमें ज्यादा सरल हो जाता है, ये वाले में तो आसानी से पता चल जाता है कि ये संज्ञा है,
जहां पर क में छोटी की मात्रा की वाला है उसको तो बच्चा हर बच्चा आंख बंद करके पहचान सकता है कि ये संज्ञा उपवाक्य है। अब जैसे अभी जो सेंटेंस साक्षी ने बोला था, ऐसे वाक्य में थोड़ा सा डाउट होता है तो पहले आप विशेषण और क्रिया विशेषण देखें, ठीक है, और क्रिया विशेषण और विशेषण में से कोई नहीं है तो फिर तो संज्ञा उपवाक्य है ना। तुलना करोगे दोनों के साथ तो अपना भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेरी नहीं है तो प्लीज इन प्रश्नों को हल करिए। तो बेटा 5 मिनट रह गए बचे, क्योंकि लिखिए मत, मुझे ऐसे ही बता दीजिए, लिखने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, नेक्स्ट टाइम लिख लीजिएगा। हाँ बेटा, मैम जो ये आपने वाक्य लिखा था, राधा गरीब है इसलिए कुछ ना ला सकी, तो मैम इसमें उपदेश्य कैसे होगा? मैम ये मिश्र है। हाँ मिश्र है, मिश्र में इसलिए दो जगह आता है बेटा, एक तो उपदेश्य बोधक में, एक कहाँ पर आ रहा है, कारण बोधक में, दो जगह इसलिए आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि दो जगह इसलिए आ रहा है, एक कारण बोधक में, एक उपदेश्य बोधक में। यहाँ पर कारण क्या बनना, कुछ ना ला सकने का कारण क्या है, गरीबी है, ठीक है। दो जगह इसलिए आ रहा है इसमें, जबकि वहां पर सिर्फ। हाँ मैम, तो ये संयोजक भी तो बन सकता, संयुक्त। संयुक्त कैसे होगा बेटा, राधा के गरीब होने के कारण वह कुछ ना ला सकी। ये तो आपने सरल बता दिया ना, देखो संयुक्त किस लिए नहीं है, सीधा से बात है, राधा गरीब है, सेंटेंस अपने आप में पूर्ण तो है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर रहा है कुछ ना ला सकी के बिना, ठीक है। और अगर हम कुछ ना ला सकी को देखें तो वो राधा गरीब है कि बिना उसको कंप्लीट नहीं हो रहा है, आश्रित है ये कुछ ना ला सकी, नहीं ये राधा गरीब है, राधा गरीब है, आश्रित है, और प्रधान कौन सा है, कुछ ना ला सकी। ओके मैम, ठीक है, इसमें आश्रित और प्रधान है। हाँ जी बोले मैम, एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासकों को उम्मीद थी कि डांडी यात्रा खुद ही कमजोर पड़कर खत्म हो जाएगी, मैम इसमें वाक्य भेद बताना है, बताइए आप ही लोग बताइए। अंग्रेज शासकों को क्या बोला, क्या थी उम्मीद थी कि डांडी यात्रा खुद कमजोर होकर खत्म हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा, क्लियर हुआ आद्या? यस मैम। ओके, तो अभी दो तो क्या इसमें संज्ञा उपवाक्य होगा? हाँ संज्ञा उपवाक्य। ओके अभी आप इसको देखिए बेटा, जल्दी जल्दी इसको देखिए, मुझे बताइए इसमें बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। सरल बालक, सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य। अरे बच्चे एक मत है कि सरल है? यस मैम। दूसरा देखिए, सरल सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य होगा। तीसरा संयुक्त, 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 संयुक्त वाक्य। आचल अब संयुक्त क्यों हुआ बेटा, मुझे बता। मैम क्योंकि वह आलसी था, इसका परिणाम उसे मिला कि वह असफल हो गया, असफल हुआ। तो अब आपका डाउट क्लियर हुआ मैम? ये तो क्लियर हो गया। नहीं, सारे बच्चों के लिए, आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए कि yes, संयुक्त कहाँ पर आ रहा है, ये क्लियर, संयुक्त में इसलिए कहाँ पर आ रहा है, परिणाम को दर्शाने के लिए, ठीक है। संयुक्त में इसलिए कहाँ पर आ रहा है, परिणाम को दर्शाने के लिए, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए अभी आगे क्लियर हो जाएगा, और आगे क्लियर होगा। ओके यस, देखिए मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत पतला था। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त, संयुक्त क्यों है बेटा? मैम मैंने फोर देख के बोला संयुक्त, मैंने फोर देखा ही, फिफ्थ वाला देखा, मिश्र, मिश्र वाक्य, फोर्थ, फोर्थ जो है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, फिफ्थ हम संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। सिक्स मिश्र वाक्य, मिश्र,
मिश्र वाक्य का कौन सा अगर उपवाक्य की बात करें तो कौन सा उपवाक्य है हमारे मिश्र वाक्य में, कौन सा उपवाक्य है? आश्रित नहीं, आश्रित और प्रधान तो हो जाएगा। विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है? क्या वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था? संज्ञा। संज्ञा। इसको जरा देख लेना, ठीक है? ये आपका छोड़ रही हूँ मैं, इसको अभी नहीं बताऊंगी, इसको छोड़ दिया आप लोग के लिए सोचना। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, उसे बस पकड़नी थी इसलिए जल्दी उठा। मिश्र मिश्र वाक्य का कौन सा इसमें लग रहा है? कारण बोधक हो गया, कारण बोधक हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से पहचानना है बेटा, इसमें उसमें परिणाम को दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ परिणाम उसमें होगा, संयुक्त में इसलिए आएगा। अन्य में कारण बोधक या उद्देश्य बोधक हो जाएगा, ये दो चीजें याद रखनी है। फिर वाक्य रूपांतरण है, उस कुछ हिंदी भाषी भी थे इसलिए मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी। सरल वाक्य में कैसे, पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा उपवाक्य है, नहीं ये क्या है, संयुक्त है, मिश्र है, मिश्र है या संयुक्त है? उस सभा में कुछ हिंदी भाषी भी मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्यों? कारण बोधक है, कारण है ना, अंग्रेजी बोलने का कारण क्या था? हिंदी भाषियों का वहां होना। ठीक, अब इसे सरल में कैसे बोलेंगे? एक दो मिनट है बेटा, जल्दी से बोलिए, उसे सरल में कैसे बदलेंगे? मैम सभा में, मैम सभा में कुछ हिंदी भाषी होने के कारण मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी। वेरी गुड, वेरी नाइस, कारण लगा देंगे, ठीक है? कारण योजक नहीं है, कारण एक शब्द है, वैसे कारकों में ही इसका प्रयोग भी होता है, कारक में तो नहीं होता, बहुत अन्य किसी कारण से होता है, उसको बताती हूँ मैं आपको। दूसरा, रोगी के दवाई पीते ही उसे उल्टी हो गई, दूसरा वाक्य। जैसे ही रोगी ने दवाई पी वैसे ही हो गई, उसे उल्टी हो गई, ठीक है। मजदूर को उसकी मेहनत का लाभ नहीं मिलता, मजदूर ने मेहनत की परंतु उसका लाभ नहीं मिला, ठीक है। अब लगाना आ रहा है आपको, कहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा करके? यस या नो, ये बताइए। यहाँ पर परंतु आप आसानी से लगा ले रहे, यस, क्योंकि विकल्प बोधक हो रहा है, यस, नहीं सॉरी, विकल्प बोधक नहीं है ये। उसके बाद देखिए, वह फल खरीदने बाजार गया, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, यस yes? उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अब बताइए ये इसमें पहचान मतलब इजीली इसलिए लग जा रहा है और पहचान पा रही हूँ कि क्यों इसलिए लगा बेटा, इतना बता दीजिए मुझे बस। yes, आज मेरा मुख्य प्रश्न इसलिए रहा कि संयुक्त वाक्य में yes, इसलिए कहाँ पर आता है और मिश्र में कहाँ पर आता है। मैम थर्ड वाला कौन सा होगा, मतलब कैसे होगा कन्वर्ट थर्ड वाला? मजदूर ने मेहनत की परंतु उसका लाभ उसे नहीं मिला। ओके मैम, उसका लाभ उसे नहीं मिला, परंतु और किंतु दोनों आ जाए, दोनों आ सकते। हाँ यस आचल, क्या डाउट था आप बोलो। बाकी बच्चों को बेटा, किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया दोबारा से ये मुझे बता दो। यस मैम, यस मैम, पूछना है ये स्लाइड में भेज दूंगी आपको, जरूरत है इसकी, इस स्लाइड की जरूरत है, इसकी पीपीटी की जरूरत है? मैम भेज देना। यस या नो, कितने बच्चे मुझे? यस मैम, यस मैम, ठीक है। बोलिए और बोलिए, क्या मैम कुछ पूछना है? हाँ जी बोलिए बेटा। क्लास स्टार्ट हो गई, लेफ्ट कर दूं मैं? मैम फोर्थ वाला ऐसे भी तो हो सकता था, फल खरीदने के लिए बाजार गया, मिश्र वाक्य है ना, फल खरीदने के लिए बाजार किया तो वो तो सरल हो जाएगा ना बेटा, उसे मिश्र में बनाना था। हाँ जब वो उसे फल खरीदने थे तब वो हम बाजार गया, यस हो सकता है। वैसे एग्जैक्ट इसमें इसलिए आना चाहिए था नियम के हिसाब से, पर नहीं आता तो जब तब भी चल जाता है। यस क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं, क्योंकि अभी आपका भी टाइम हो गया, आप डाउट्स नोट करके रखिएगा, दोबारा से फिर से मैं फिर बताऊंगा।
बताती हूँ, ठीक है? टेक केयर, थैंक यू मैम. ओके बेटा, थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. I'm going to mute everyone. And everyone, switch on your video to continue the class. Karanveer, Mehul, Jaskirat, Bharat. Okay, all of you, take a notebook and pen and solve this question and tell me the solution. Kya answer aayega? The question is, in triangle ABC, angle B is 90 degree, AB equals to 3 centimeter, BC equals to 4 centimeter is the triangle ABC. AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter. Okay. Then find the value of number one sine A into cos C plus 10 square A. Second, sine square C plus cos square C. Third, sin C plus cot A divided by sec A. ठीक है. Second question. If
tan theta is pi by 12, then find the value of tan theta into cosec theta plus sine square theta divided by cos theta. I am in the photo, ठीक है? Or you, all of you? Yes, Vansh. Vansh. Hello. सर गलती से हो गया. ठीक हो बात नहीं. चलिए ये क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, हमने ट्राई करेंगे. कितने कौन कर पाता है? You have time about 10 minutes. आप 10 minutes. I ask the answers. Okay, now you start. Yeah, Rhythm. Rhythm. Sir, hello. I was asking to show the question. You asking? Sir, I was asking to show the question. Okay. ठीक है. You are getting the question 1 and 2. The other questions. देखो आई आर रिपीटिंग इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री ए बी इज 3 सेंटीमीटर बी सी इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन ए इनटू कॉस सी टेन स्क्वायर ए सेकंड साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी थर्ड साइन सी प्लस कॉट ए अपॉन सेक ए सेकंड इफ टेन थीटा इज पाई बाय 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इनटू कोसेक थीटा plus sine square theta upon cos theta. Start now. You have 10 minutes. Solve this question. Start now and tell me answer through chat. Vani, find the answer in fraction, not in decimal, okay? Write the answer in fraction. Adya, good. Thank you.
इसे बड़ा है इसका, हाँ बहुत बड़ा है, एक आदमी जी बहुत बड़ा है। साइज आप जैसा बोल, मैं साइज देख लो लगा दो, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं इसका मतलब पूरा स्थान बराबर है, वो तो इस खान से बड़ा आएगा जी। यार मैं बिजी हो रहा हूँ, कैसे कहा। हाँ सर फोन कर दूँ लाओ सारे। Now only 3 minutes left. Now you all miss, so you take a screenshot. Everyone take a screenshot. Everyone take a screenshot. Everyone take a screenshot and then switch on your video. You are taking a screenshot? Okay. Switch on your video, everyone. Let me see who are solving. Rachit, Arjun, Jaskirat, Kuchita, Roman Preet, Kabir, good. Good, very good. Yashraj, your answer. Yashraj. Nikhil, your answer.
still very few are opening the video. The first one now. Now I tell the answer. Okay. A, B, C. You have given A, B 3 centimeter. B, C is 4 centimeter. We have find the value. Anushua, answer is wrong. Second is one only. Sine square C plus cos square C will come one. We find sin A, cos C plus tan square A. Second part hai, sin square C plus cos square C. And third part is sin C plus cot A upon sec A. Okay, look at the screen and tell you answer. Okay, check. फर्स्ट वन देखिए आपके पास ए बी है बी सी है ठीक है आपको निकालना है साइन ए साइन ए इज पी बाय एच तो यू नीड द हाइपोटेन्यूस क्या करेंगे पहले फर्स्ट वी कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूस ठीक है तो इन ट्रायंगल ए बी सी वी नो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन फॉर एंगल सी ए बी इज परपेंडिकुलर थ्री And BC is the base. So 3 square plus 4 square. So H square equals to 3 square 9, 4 square 16. So H square is 25. So H is 5. ठीक है अब देखिए हमें चाहिए साइन ए एंड कॉस सी हम देखेंगे ए के लिए क्या होगा साइन ए इंटू कॉस सी और टेन स्क्वायर निकालना है आपने लुक एट हियर वी नो साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच कॉस थीटा बी बाय एच टेन थीटा पी बाय बी नाउ पुट द वैल्यू फॉर द एंगल सी एंड ए फॉर साइन ए देखिए पहले ए पर आते हैं फॉर एंगल ए द अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर द फोर परपेंडिकुलर थ्री इज द बेस व्हाट हैपेंस फाइव ठीक है तो साइन ए के लिए हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला पी बाय एच ठीक है कॉस में होता है बी बाय एच रख दीजिए टेन के लिए जाएगा आपका फॉर्मूला पी बाय बी स्क्वायर नाउ पुट द वैल्यू देखेंगे ए के लिए पी क्या होगा परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर इज फोर हाइपोटेन्यूस फाइव तो ये बन जाएगा फोर बाय फाइव आप सी के लिए आते हैं यहां रखना है फॉर एंगल सी थ्री इज परपेंडिकुलर फोर इज बेस जो साइड एंगल जाएगी वो बेस होगी बेस इज फोर व्हाट हैपेंस फाइव तो ये बन जाएगा फोर बाय फाइव प्लस पी फॉर एंगल ए एंगल ए के लिए पी क्या होगा परपेंडिकुलर फोर अपोजिट साइड बेस जो साइड एंगल के पास से पास होगी थ्री तो फोर बाय थ्री तो फोर बाय थ्री स्क्वायर तो इट बिकम सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन बाय नाइन ठीक है Now take LCM. What is LCM? ये दोनों LCM आ जाएंगे 59 to 9. तो 69 जा 144. देखिए 16 common है. 16 is the common.
ठीक है, तो 16 इंटू 9 ऐसे इंटू करते नहीं है, 16 25, नॉट ए कॉमन, 16 कॉमन, 9 प्लस 25, ठीक है, 25 इंटू 9 यहाँ से आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 34, से इंटू कर लेंगे आप 9 125 तो आंसर इज 544 डिवाइड बाय 225 चेक योर आंसर वो आंसर इज कमिंग दिस वन आंसर इज 544 डिवाइड बाय 225 हाँ करेक्ट पल्लक योर आंसर इज करेक्ट लेट मी चेक योर आंसर इज करेक्ट यस क्लैप फॉर मोहित Pala, good. Sakshi, your answer. Let me check. Mohit, Vani, your answer is not correct. Again, any doubt? Raise your hand. देख ली बेटा आंसर देखिए साइन ए पी बाई एच कॉस सी बी बाई एच टेन ए पी बाई बी करेक्ट हमने रखी पी की ध्यान रखना एंगल ए के लिए पी क्या होगा एच क्या होगा एंगल ए के लिए द अपोजिट साइड फोर इज परपेंडिकुलर हैव टू रिमेन सेम फाइव अब कॉस में आते हैं एंगल सी है हम देखेंगे सी के लिए तो एंगल सी के लिए थ्री इज द परपेंडिकुलर अपोजिट साइड बेस इज फोर जो साइड एंगल लग के जाएगी वही होगी बेस ध्यान रखना है एंगल्स का कि एंगल ए है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा बेस क्या होगा यदि एंगल सी है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बेस क्या होगा गॉट इट ये निकालते सेकंड वैल्यू सेकंड पार्ट साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी देखिए एंगल सेम है वी नो साइन इज पी बाय एच स्क्वायर करेगा बाहर ठीक है कॉस बी बाई एच स्क्वायर रहेगा बाहर हाँ बेटा ये बनाएगा नाउ सी के लिए एंगल सी ये एंगल सी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर थ्री परपेंडिकुलर फाइव इज हाइपोटेन्यूस फोर इज बेस ये बन जाएगा थ्री बाय फाइव स्क्वायर साइन के लिए फॉर एंगल सी एंड फोर बाय फाइव साइन कॉस की वैल्यू जाएगी कॉस की वैल्यू फोर बाई फाइव फॉर एंगल सी करिए स्क्वायर थ्री स्क्वायर नाइन फाइव स्क्वायर 25 फोर स्क्वायर 16 25 फाइव स्क्वायर एक एलसीएम 25 9 प्लस 16 जाएगा 25 बाय 25 क्या आंसर आ जाएगा वन गुड निखिल आंसर इज वन नाउ थर्ड पार्ट देखिए थर्ड पार्ट साइन सी प्लस कॉट ए अपॉन सेक ए फॉर साइन बी आर फॉर्मूला पी ए पॉन एच कॉट ए कॉट के लिए फॉर्म होता है बी बाय पी सेक के लिए एच बाय बी ठीक है अब वो आता है ये एंगल सी के लिए पी क्या होगा एनी डाउट रेज योर हैंड यस रिदम सर साइन स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर सी तो सर आइडेंटिटी भी तो होती है हाँ अब वो ना अभी आइडेंटिटी पढ़ी आप पढ़ी नहीं आपने ना अभी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो सर ऐसे सीधे नहीं लिख सकते वो सीधे लिख सकते हैं एनी एग्जाम यू कैन राइट डायरेक्टली ओके ठीक है लेकिन आपको ट्रायंगल दिया होगा रेडी कोई आस्किंग वेरिफिकेशन मांग रहा है आपसे कि ऐसा होता है वैसे तो कभी एग्जाम में कभी देगा कभी देगा ही नहीं क्योंकि रीजन बिहाइंड इट ये वन होता है ना तो यू कैन राइट डायरेक्टली आल्सो वन इन द एग्जाम ठीक है अभी तो हम खाली वेरीफाई कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू बाय द रेशियो रेशियो क्या होगा और उनका स्क्वायर करके आंसर क्या आएगा इन एग्जाम यू कैन राइट डायरेक्टली आल्सो ठीक है ओके यस सर समबडी एनी डाउट्स रेज योर हैंड हरी अप आद्य पलक डाउट्स हैं चलिए अब इसमें आते हैं
एंगल सी के लिए देखिए, ये एंगल सी है, एंगल सी के लिए पी इज थ्री, बी इज फोर, एच इज फाइव, तो पी हो जाएगा आपका थ्री बाय, एच हो जाएगा फाइव, तो थ्री बाय फाइव। अब एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए फोर इज परपेंडिकुलर, थ्री इज बेस, फाइव हाइपोटेन्यूस, तो कॉट होता है बी अपॉन पी, हो जाएगा आपका ये थ्री बाय फोर। देखिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर फोर, बेस इज थ्री, तो इसका बेस थ्री हो गया और परपेंडिकुलर फोर हो गया, डिवाइड बाय एच बाय बी, एच एच इज फाइव, और ए के लिए क्या होगा, बेस बेस थ्री होगा, देखो इस पास हो रहा है तो बेस थ्री होगा इसका, एच के एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए एच हो गया फाइव, बेस इज थ्री। नॉट टेक एलसीएम, 20 का एलसीएम 12 प्लस 15 इज 5 बाय 3, सो यू हैव 27 इनटू 3 81 अपॉन, ये 92 जाएगा 100, तो व्हाट इज सेकंड आंसर, 81 डिवाइड बाय 100, करेक्ट निखिल? I check who answer coming, 981 by 100, पलक का आंसर आ रहा है, अभी many have not solved, 81 है, सुजिता तिवाड़ी, you answer correct, हर्षित your answer is correct, yes, now come to third part, third part is very important, third part is you have given tan theta 5 by 12 and you have to find the value of tan theta into cosec theta plus sin square theta upon cos theta, ठीक है, ये निकालनी है आपने, क्या करेंगे इसके लिए, फॉर द कंपेयर देखिए, नाउ वी कंपेयर tan theta, tan theta होता है p अपॉन b, तो इट इंप्लाइज p इज 5k, b इज 12k, ठीक है, h निकालेंगे बाय बाय थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू p, p इज 5k तो 5k स्क्वायर, b इज 12k, 12k स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल्स 25k स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर, तो यू हैव h स्क्वायर इक्वल्स टू 169k स्क्वायर, नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑफ 169k स्क्वायर, तो यू हैव 13k, कैच आ गया, अब निकालेंगे ये वैल्यू, देखिए तो नाउ द वैल्यू ऑफ tan थीटा इनटू cosec थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, नाउ यू द टेबल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, इस आएगा रेसिप्रोकल cosec, cos का इक्वल sec और tan का cot, अगेन रिपीटिंग p b p h h b, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये शॉर्ट फॉर्म में करने की, sin p by h, cos b by h, tan p by b, t and tan, and reciprocal of sin cosec, yes you can use also beta, and anyone make for you a simple way, h by b sec, b by b cot diya jayega, rakhiye 10, 10 kya hoga, dekhiye 10 hoga b by p, so b by p, cosec, cosec h by p, h by p, sin p by h, yes
यस यस यू कैन मेक इट एंड कॉस कॉस इज बी बाय एच देखिए नाउ पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई पी इज 5k b is 12k multiply h is 13k we are 13k p is 5k plus p 5k b 13k square iska bahar rahega b 5k h is 13k ठीक है नाउ सिंपलीफाई देखिए के से के कैंसिल के से के कैंसिल 5 5 कैंसिल यानी के से के कैंसिल एक के कैंसिल तो क्या बचा हमारे पास अब बस आएगा आपका 13/12 यहां से आया 13/12 यहां से आपका आपके पास 5 = 25 13 = 169 ठीक है डिवाइड बाय 5/13 नाउ टेक एलसीएम तो 12 × 169 एलसीएम आ जाएंगे तो 13 × 169 + 12 × 25 और यहाँ से आ जाए आपका आएगा 5/13 ठीक है ना मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 13/5 13 डिवाइड दिस 13 टाइम नाउ वी ऐड 7/9 42/780 दिस इज द आंसर चेक योर आंसर That is 2497 divided by 780. ये आंसर होगा. I am sending the photo. Take a screenshot. Okay, if somebody has a query, raise your hand. किसी के कोई questions है, कोई doubts है, तो kindly ask me. Okay, wait. 2 seconds. Okay, hurry up. Take a screenshot. Yes, Ridham. Ridham, hello. Sir, what is the value of cos in second question? What is the value of the cos in second question? Cos is 12/13. I have written 5/13. ठीक है, ठीक है बेटा. यहाँ पर ये आएगा 12/13. 12/13. 13. क्योंकि वो दिखाई दे रहा था. तो यहाँ पर से we have 12/13. तो नीचे आपका 12 आ जाएगा 144 × 13 तो इट इज 1872 ठीक है आप अपनी फोटो ठीक है देख लीजिए एक बार को Somebody any query to raise your hand. Any question, please ask me.
Now take a screenshot of this photo and do some correction also. There is some correction is there. यहाँ पर base था 12, ठीक है, I written 5K, आप लिखेंगे 12K, then subscribe कीजिए, answer ये आएगा 2497 divided by 1872, okay? Take a screenshot, if you taken, but click on yes and no, click कीजिए. If somebody any query, then raise your hand. किसी के कोई questions हैं पूछने के लिए about this topic? You take a screenshot. Please click yes or no. Sir, one question. The physics exercise. Sir, it is another outside, not from which chapter? Which chapter? Trigonometry. Okay, tell me. If sine theta. If sine theta. Equals to 3 upon 4. Equals 3 by 4. Prove that. Prove that. In whole root cos square theta minus cot square theta. In whole root. Cosec square theta. Cosec square theta minus cot square theta minus cot square theta upon sec square theta upon sec square theta minus 1 minus 1 equals to root 7 upon 3 root 7 upon 3 upon 3. ठीक है, अभी करते हैं. Adya, you are doubt? Adya? Yes, Adya, sir. Your question. You sir, the... हमने यहाँ K क्यों use करा? बेटा ratio के लिए, कि कभी भी ratio को अलग करते हैं ना, तो उसके लिए हम we take one constant, तो वहाँ पर constant K ले आता है. Directly आप ratio को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ratio है. It is simplest form. Okay. It might not be equals to the P or B or H. वो पेवेंटिंग जो है बेस ऑर्डिनेंस के इक्वल नहीं हो सकती. इट मे बी मे नॉट बी. तो रेशियो को अलग करते वक्त हम के लेते हैं एज ए कॉन्स्टेंट. आपने क्लास से समझ में क्या होगा कि लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो 3/4, तो लेंथ 3x ब्रेथ 4x, याद आया कुछ? यस सर. मैं लेंथ तो ऐसे ही यहां पर मैंने के रेशियो लिया है, ठीक है. नाउ सी इदम एवरीवन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको साइन दिया 3/4. साइन इज 3/4 और साइन होता है पी बाय एच. तो पी इज 3K, बी और एच इज 4K. हम बेस निकालेंगे तो यूज पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर. रिदम हेलो. यस सर. रिदम हाँ ठीक है ना ये? यस सर. 3/4 तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. चलिए रखिए वैल्यू. एच इज 4K स्क्वायर, पी इज 3K स्क्वायर. बेस निकालेंगे, ठीक है. तो ये आएगा 16K स्क्वायर, यहाँ से आएगा 9K स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर. हमने माइनस किया इसको यहाँ पर, 7K स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर. तो व्हाट इज बी? Square root of 7K square, it is under root 7K. Okay. Now put the value here in left hand side. What is cosec? Cosec is h by p. What is cot? B by p. What is sec? H by b minus 1. Now substitute the value. वहाँ पर h आया है 4K, ये है अंडर रूट 7K स्क्वायर. बेस इज अंडर रूट 7K.
perpendicular is 3k square upon h. h is 4k, base is under root 7k square minus 1. k देखिए कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल. अब स्क्वायर करते हैं, 4 स्क्वायर 16 और 7 स्क्वायर 7 आएगा, ठीक है. यहाँ से आ जाएगा 7/9, ठीक है, अपॉन बेस इज 7 p3b4 h by p. ये मैं कर दिया, मैंने पर है इट इज 3 है, दिस इज 3 3 स्क्वायर 9 हुआ बराबर अपॉन, सो करते हैं 4 स्क्वायर 16 ये जाएगा 7 माइनस 1. नाउ टेक एलसीएम 9, 16 माइनस 7 अपॉन टेक 7 एलसीएम 16 माइनस 7, ठीक है. ये आपका आया 9/9 और ये आपका आया 9/7, ये कैंसिल हो गया, इट बिकम रेसिप्रोकल 7/9. नाउ टेक स्क्वायर रूट, सेवन ऐसे रहेगा और 9 स्क्वायर रूट 3, देखिए अंडर 7/3, दिस इज योर राइट हैंड साइड. एकदम समझ में आ गया, एकदम हेलो. आप सेंड ए फोटो, ठीक है, टेक अ स्क्रीन शॉट. ओके टेक अ स्क्रीन शॉट. रिदम समझ में आ गया, ओके. Similarly, you all again, once again revise this topic from the other help books, from the exercise. Today I've sent even PDF. Okay, and tomorrow we start the new topic from the same chapter, trigonometry. It's different one. तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस एंगल के अकॉर्डिंग आपको P क्या होगा, P perpendicular, बेस क्या होगा B और what is hypotenuse. तो उसी एंगल के अकॉर्डिंग चाहे एंगल A हो C हो, हम पहले मार्क करेंगे perpendicular क्या है, बेस क्या है, hypotenuse क्या है, तभी हम रेशियो साइन थीटा निकालेंगे, रेशियो कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा, रेशियो टेन थीटा, ठीक है, या टेन ए साइन ए साइन बी साइन सी. ओके, सो यू मेक नोट्स and revise these all questions and once again revise the same topic from the NCERT, from other help books, from RD, and today I sent you a PDF, revise from them and then I doubt you ask you tomorrow. Till then, take care. Enjoy your day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.